उषा, फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम रवा इडली बनाएंगे। आइए चलिए बना देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है और इसके साथ एक बड़ी अमेजिंग सी चटनी बनाएंगे नारियल और प्याज की। तो ये हमने इडली का बैटर बना लिया है। इसी बाउल से हमने 3 बाउल रवा लिया है और 1 बाउल दही लिया। दही और पानी थोड़ा मिला करके इसका हमने बैटर बना के 2 घंटे पहले रख लिया था। अब इसी में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और 1 पैकेट इनो डाल दे रहे हैं। मैं जल्दी से पूरा मिक्स कर दे देना अच्छे से। ये देखिए ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इसे हम सांचे में लगाएंगे। ये हमने सांचा लिया हुआ है, इसी में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। अच्छी तरह से पूरे चारों तरफ इसको फैला देंगे ऑयल को। सारे सांचे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये रवा के बैटर को हमने 2 घंटे जो है पहले से ही फुला के रख दिया था। अभी इडली का बर्तन है जो, इसी में 1 गिलास पानी डाल देते हैं नीचे। इसका स्टैंड है, इसमें लगा देते हैं। ये देखिए हमने जो है स्टैंड में सारे सांचे लगा करके इडली के बर्तन में लगा दिया है। अब इसका ढक्कन लगा करके हम 5 मिनट के लिए इसे गैस के ऊपर रख देंगे। ये देखिए हमने इडली का स्टैंड जो है बर्तन लगा दिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, गैस ऑन करके। तब तक हम जो है चटनी बनाते हैं। हम चटनी जो है 2 तरीके, ये 2 टाइप की चटनी हम बनाएंगे। एक हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे, 1 प्याज, लाल मिर्च और नारियल। ये नारियल जो है फ्रेश है, उससे हम चटनी बना रहे हैं आज। जार में हम पहले नारियल डाल देते हैं और 1 प्याज, बड़ा प्याज एक हमने चॉप कर लिया है, उसे डाल दे रहे हैं। और ये जो लाल मिर्च हमने ली है जो हम डालेंगे, इसे हम पहले आग में भून लेंगे, भूनने के बाद डालेंगे। ये चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है, इसको आप जरूर बनाइएगा। डाल रहे हैं और अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 2 या 3 आप डाल लीजिएगा। और इसमें हमने जो है नमक डाल दिया थोड़ा स्वाद के अनुसार। इसे अब हम पीस के आपको दिखाते हैं। इसी में हम ये मूंगफली डाल दे रहे हैं, ये भुनी हुई मूंगफली। इसको हमने छील के साफ कर लिया, इसका छिलका निकाल दिया है। इसी में 1 हरी मिर्च डाल दे रहे हैं, स्वाद के अनुसार आप और भी मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। और 4-5 लहसुन की कलियां हैं, वो भी इसी में हम डाल देते हैं। ये देखिए हमारी दोनों चटनी बनके तैयार है। ये प्याज और नारियल वाली, लाल मिर्च वाली, और ये सिर्फ मूंगफली, लहसुन और हरी मिर्च हमने बनाई है। और इन दोनों को पीसने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा इन दोनों में पानी डाला था, वो हम आपको बताना भूल गए थे। और ये जो नारियल और प्याज वाली चटनी है, इसमें हम इमली डालेंगे, इमली का पानी डाल देंगे जितना आपको खट्टा चाहिए। और ये जो मूंगफली वाली चटनी है, इसमें दही डालेंगे, 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे। डाल के इसको सबको मिक्स कर देंगे। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए इधर हमारी इडली बनके तैयार हो गई है, इसे हम आपको खोल के दिखाते हैं। अब इसे हम इडली के बर्तन से बाहर निकाल ले रहे हैं सांचे को। ये देखिए चटके का पैन हमारा गर्म हो गया है, इसी में ऑयल डाल देते हैं। थोड़ी सी राई, 2 टक्के बनाना है हमें, थोड़ा ज़्यादा राई डाल देती।
दोनों में डाल दे रहे हैं। ये देखिए अब हम जो है सांचे से इडली को निकाल के अरेंज कर दे रहे हैं। कितने आराम से निकल जा रही है इडली, ये बहुत अच्छे से परमिट भी हुई है। ये देखिए हमारा इडली बनके तैयार है। रवा इडली दो तरह की चटनी बनके तैयार है, प्याज और नारियल की और सिर्फ मूंगफली की चटनी, और दोनों ही बहुत टेस्टी बनी हुई है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।